अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम ब्रास टेक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मारुफ कुरैशी, और एज यूजुअल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. सर आज हमें बताएंगे कि हम ब्रास टेक्स की एक नई एपिसोड के साथ आ रहे हैं, एक नया सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं प्रोग्राम्स का. तो ये प्रोग्राम्स जो है नॉर्मली किस बारे में होंगे, किस हवाले से होंगे, और आज का प्रोग्राम जो खसूसी तौर पर है वो उसमें हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज मारुख हम एक गैर मामूली वजूद के बारे में बात करेंगे. हमारी ये सीरीज अल्लामा इकबाल पर है. अल्लामा इकबाल जो मैन ऑफ डेस्टिनी हैं, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की तारीख तब्दील करके रख दी, नसीब बदल दिए, तकदीर बदल दी. अल्लामा इकबाल के बारे में ये कौम बहुत बदनसीब होगी अगर इकबाल को ना जान सके. तो इकबाल एक शायर नहीं थे. हकीकत अगर पूछिए तो इकबाल इस बात पर खफा होते थे कि उनको सिर्फ शायर कहा जाता था. वो अपने पैगाम को इकबाल इस्लाम का पैगाम कहते थे, यानी इस्लाम के उरूज का पैगाम. उन्होंने बार बार ये एम्फसाइज किया है कि मेरी ग्रामर पे, मेरी लैंग्वेज पे, मेरी उर्दू पे एतराज़ न करो, क्योंकि उस ज़माने में लोगों ने उनको शायर समझकर उनके लैंग्वेज और ग्रामर पर एतराज़ शुरू कर दिया था. और इकबाल इस पर बहुत डिस्टर्ब होते थे कि तम मेरे पैगाम की एसेंस को, मेरे रूह को नहीं समझना चाहते हो. और बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अगर जो मुझे मालूम है उसका अशर अशीर भी तुम लोगों को मालूम हो जाए तो मुझ पर एतराज़ करना बंद कर दो. क्योंकि इकबाल की जो रियलिटी थी, इकबाल की जो हकीकत थी, ईरान के मलिक शोरा बहार ने अल्लामा इकबाल के बारे में फरमाया कि हमारा दौर कहलाएगा इकबाल का दौर. तारीख इस दौर को इकबाल के दौर के से याद करेगी. प्रोफेसर आर्नल्ड जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे, और इकबाल आखिरी वक्त तक उनको इंतहाई अदब और एहतराम से उनको याद करते रहे, आर्नल्ड इकबाल के बारे में कहते हैं, जिसका मफहूम कुछ ये बनता है कि ही इज अ मैन ऑफ हिज एज, ये अपने वक्त के आदमी हैं. ही इज अ मैन अहेड ऑफ हिज एज, ये वो वजूद हैं जो अपने वक्त से भी आगे के दौर में इस्तेमाल होंगे, काम आएंगे. एंड ही इज अ मैन एट वॉर विद हिज एज, यानी ये वो वजूद है कि जो अपने वक्त से हालत जंग में अपने निज़ाम को तब्दील भी करना चाहता है. अल्लामा इकबाल एक गैर मामूली वजूद, सिर्फ मुफक्किर पाकिस्तान नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के मुफक्किर दानिश्वर, और एक ऐसे वजूद कि जिनका दौर आज भी है और आने वाले कई सौ साल में भी इकबाल का दौर बाकी रहेगा. आज हम इकबाल के बारे में बात करेंगे. हमने आज का एक टॉपिक गैर मामूली इसलिए सेलेक्ट किया है, और इसका नाम हमने रखा है इकबाल पुरस्रार, इकबाल द मिस्टीरियस मान. उनकी वजूद की वो डायमेंशंस कि जो हमारी कौम से भी छुपे हुए हैं, और कभी इस तरीके से, इस तरतीब से पेश नहीं किए गए कि इकबाल का वो तारुफ जो उससे पहले नहीं कराया गया. इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले इस प्रोग्राम में और आने वाले प्रोग्रामों में अल्लामा इकबाल का तारुफ अपनी कौम से कराएं.